मैं भाई नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो यूजर्स फाउंड। तो भाई आज का दिन आप लोग बेहतरीन होगे, धूम मचा रहोगे। भाई मान लो अपने अकाउंट को इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या हुआ आप उसका पासवर्ड भूल चुके हो। तो आप गेट हेल्प लॉगिन इन पे क्लिक करोगे, फिर कर अपना यूज़र नेम, ईमेल या फिर भाई अपने फ़ोन नंबर को डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। पर जब लिखा हुआ आएगा नो यूजर्स फाउंड, तो आपका जो दिमाग है वो चकरा जाएगा। आप सोचिए भाई ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्या है मेरा अकाउंट हैक तो नहीं हो गया? अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो आप चिंता मत करो, आज की वीडियो में भाई इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करने को। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे शायद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो पाए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस अपन इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है, तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, गेट हेल्प लॉगिंग इन पे। मैं भाई नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो यूजर्स फाउंड। अब शायद आप लोगों को भी ये लिखा हुआ आ रहा होगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आपको इन्हें ध्यान से सुनना है और आपको देखना है कि आपने कहीं ये मिस्टेक तो नहीं करी। पहला पॉइंट भाई, पहला पॉइंट ये कि आपको देखना है आपको जो यूज़र नेम है वो कहीं आपने गलत तो नहीं डाल दिया। अब वो आप चेक कैसे करोगे, आपको जो भी फॉलो करता था पहचान वाला, आप उसका फ़ोन लो, उससे उसकी फॉलोइंग में जाओ और अपने और आप खुद को सर्च करो और चेक करो कि आपको यही वाला यूज़र नेम था या फिर नहीं था। और ये भी देखना कि आपने जो ईमेल डाला, फ़ोन नंबर डाला, वो सही डाला है फिर नहीं डाला। अगर ये सबसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि भाई क्या पता आपने जैसे अपना अकाउंट दे के रखा उसने आपका यूज़र नेम चेंज कर दिया, क्या पता ईमेल चेंज कर दिया, क्या पता फ़ोन नंबर ही बदल सकता है। भाई ऐसा थोड़ी है, अब तीनों में से कोई चीज़ बदल देगा तो आप यहाँ पर डालोगे तब भी आपको सेम चीज़ लिखी हुई मिलेगी, नो यूज़र्स फाउंड। तो आपको क्या करना है, आपको उससे पूछना अगर आपने कि अगर भाई तूने बदला है तो मेरे को बता दे कि क्या डाला है नया, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको जो बदलना है वो आप बदलते रहना, ये दोनों चीज़ें कर ली। आप बोलोगे भाई ये दो मैं काम कर चुका हूँ फिर मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो सकता है क्या पता वो बग से रिलेटेड हो। अगर भाई बग से रिलेटेड है तो एक काम करो, क्रोम पे जाओ और आप इंस्टाग्राम के कोई ओल्ड वर्जन को डाउनलोड कर लो और उस पर ट्राई करो, फिर आपको वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तब भी सॉल्व नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, काम करो प्ले स्टोर पर जाओ, इंस्टाग्राम को देखो कि अपडेट है या फिर नहीं, अगर अपडेट ना हो तो उसे अपडेट कर लेना। और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो भाई आपको दिक्कत की बात है। आप बोलोगे कि भाई मैंने कोई को अपना अकाउंट दे के नहीं रखा, मैंने ना दोस्त को दिया, ना रिश्तेदार को दिया, ना अपने खुद के सगे भाई तक को नहीं दिया, फिर भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, भाई क्या करूं? अब भाई उसकी दो वजह हैं। ये वजह ये कि आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, तो आप भाई स्पैम करते हो, मतलब कि बॉट्स जैसी हरकतें, फॉलो अनफॉलो, आप भाई इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करते हो। इस वजह से क्या होगा, जो इंस्टाग्राम है वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। अब भाई सस्पेंड कर देगा तो आप भाई 15-20 दिन तक अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाओगे, शायद महीना भर भी हो जाए। पर अगर ऐसा होगा तो आप जब लॉगिन करोगे तो आपको लिखा हुआ आएगा कि आपका अकाउंट अभी सस्पेंडेड है। पर जो दूसरा कारण है वो ये कि आपको जो अकाउंट है वो भाई हैक हो चुका है। हाँ भाई सही समझिए, आपका अकाउंट हैक हो चुका है। अब वो भाई बहुत सारे मल्टीपल रीज़न की वजह से हो सकता है, पहले फिशिंग की वजह से हो सकता है, या आपको कोई लिंक आई हो और उसमें आपने अपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। तो क्या हुआ, आपको तो ऐसा लगा कि भाई ये नॉर्मल इंस्टाग्राम वाले लॉगिन पेज है, पर भाई वो सामने वाले के बनाया हुआ पेज था, दिखेगा सेम टू सेम पर वो उसने बनाया हुआ। फिर आपकी सब इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी, फिर वो आपके अकाउंट से छेड़छाड़ कर लेगा, उसे जो करना है वो कर लेगा। तो फिर क्या, अकाउंट तो गया ना भाई। और भी तरीके होते हैं जिस वजह से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, तो रीज़न और थे जिस वजह से आप भाई कोई अकाउंट है आपको इस प्रॉब्लम को देखने को मिल सकती थी। तो आप सोचे कि भाई हैक हो चुका तो अब मैं क्या करूँ, तो भाई एक काम करो, अगर हैक हो चुका तो आपको भाई कुछ तरीके हैं जिससे आप भाई उसे वापस ला सकते हो। आपको क्या करना है, आपको भाई अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हुए स्क्रीनशॉट्स के साथ साथ आपको भाई इंस्टाग्राम को ट्वीट करना है, और भाई आपके ट्वीट पे जितने रीट्वीट होंगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा इंस्टाग्राम, और भाई ट्विटर के थ्रू इंस्टाग्राम आपको जल्दी रिप्लाई दे सकता है। दूसरा क्या, आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम को ईमेल सेंड करना है, जो इंस्टाग्राम का ईमेल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा सॉल्यूशन वो ये, आपको गूगल खोलना और सर्च करना इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम को भाई उन लोग को पूरा डिस्क्राइब करना कि ऐसा ऐसा आ रहा है।
भाई यही कुछ स्टेप थे जिसका यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। भाई मुझे यही उम्मीद है कि आप में से ज्यादा लोग की प्रॉब्लम जो है वो भाई सॉल्व हो गई होगी। भाई मैं यही चाहता था कि सबसे ज्यादा लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर नहीं हुई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन भाई आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना, इंस्टाग्राम पे करना, यूट्यूब पे करना, भाई आप जहाँ से कर सको वहाँ से करना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से रट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।